अब दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम चल चुका है कि टिकटॉक को अनबैन कर दिया गया है। पिछले हफ्ते मद्रास हाई कोर्ट ने इसको बैन किया था, जिसके बाद में टिकटॉक वाले सुप्रीम कोर्ट में गए थे इस ऑर्डर पे स्टे लाने के लिए, जिसके बाद में उनको स्टे नहीं मिला और कुछ दिनों तक टिकटॉक बैन ही रहा था। लेकिन इसके बाद में जब दोबारा से उन्होंने अपील करी थी मद्रास हाई कोर्ट में, तो इसके ऊपर फैसला ये सुनाया गया कि इसको अनबैन कर दिया जाना चाहिए। क्यों इसको अनबैन किया गया और अब क्या चेंजेस आएंगे टिकटॉक के अंदर, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। अभी जिन लोगों को यह मालूम नहीं है कि टिकटॉक ऐप को बैन क्यों किया गया था, इसके रीजन क्या बन गए थे कि मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया था पिछले हफ्ते, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने पॉइंट बाय पॉइंट समझा रखा है कि एग्जैक्टली रीजन क्या रहे थे टिकटॉक ऐप को इंडिया के अंदर बैन करने के। लेकिन अब सवाल उठता है कि टिकटॉक ऐप को वापस अनबैन क्यों किया गया है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर रहा था। तो आर्टिकल 19 क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि टिकटॉक ऐप को करीबन 5 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने डाउनलोड कर रखा है, जिसमें से करीबन 2 करोड़ इंडियंस एक्टिव यूजर हैं टिकटॉक ऐप के। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितने सारे इंडियंस इस ऐप को यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर आर्टिकल 19 हर इंडियन सिटीजन को कुछ राइट्स देता है, जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, डू एनी बिजनेस इफ इट्स नॉट इलीगल। तो आप हर वो काम कर सकते हो इंडिया के अंदर जो इलीगल नहीं है। और यहाँ पर डांस करना, लिपसिंग करना कोई इलीगल काम तो है नहीं। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे कुछ अपनी जो लिमिट थी उसको क्रॉस करते चले जा रहे थे, जिसके लिए अब टिकटॉक कुछ लिमिटेशन लगाने वाला है। कुछ भद्दे कमेंट्स भी किया करते थे लोग, जिसके ऊपर अब टिकटॉक कार्रवाई करेगा। तो कई ऐसे चेंजेस अब टिकटॉक करने वाला है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सवाल था करीबन 250 उन लोगों की जॉब्स का जो टिकटॉक से जुड़े हुए थे इंडिया के अंदर, जिनकी जॉब्स अब जाने वाली थी जैसे ही इस ऐप को बैन किया गया था। और इसी के साथ साथ टिकटॉक दुनिया की छठी ऐसी ऐप है जिसको सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है इस दुनिया के अंदर। और इसी के साथ साथ टिकटॉक का करीबन 5 लाख US डॉलर का हर दिन नुकसान हो रहा था। तो एक दिन के बैन का उनका नुकसान इतना बड़ा था। तो अब जब इतनी बड़ी ऐप है तो वो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकाल ही लेगी। उन्होंने महंगे महंगे लॉयर किए, जिन्होंने कुछ चीज़ों पे पॉइंट किया, कुछ चीज़ों पे ये कहा कि इसमें टिकटॉक ऐप की गलती बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है और जो गलती कर रहे थे वो लोग कर रहे थे जो इस ऐप का मिसयूज़ कर रहे थे। यहाँ पर टिकटॉक ऐप मिसयूज़ नहीं कर रहा था, बल्कि वो लोग उसको मिसयूज़ कर रहे थे, जिसके ऊपर अब वो एक्शन लेंगे और ऐसी कोई भी हरकत अब टिकटॉक के ऊपर नहीं होने वाली। अब इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि टिकटॉक ऐप के अंदर कई सारे चेंजेस किए जाएंगे जो आप आने वाले वक्त में देखोगे, जिसके बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन जो मेजर चेंजेस थे वो हो चुके हैं और बाकी के चेंजेस जल्द ही इस ऐप के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सिंपल भाषा में मेन रीजन आर्टिकल 19 बना, जो हर इंडियन को ये इजाजत देता है कि वो हर चीज कर सकता है जो इलीगल नहीं है अपने देश में, अपनी जिंदगी के साथ, अपनी बॉडी के साथ। अगर वो इलीगल काम नहीं कर रहा है तो वो हर काम कर सकता है इंडिया के अंदर। और डांस करना और ये सारी फिजूल चीज़ें करना इलीगल तो है नहीं। हाँ ठीक है, कुछ बंदे ज़्यादा नौटंकी करते हैं, वो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए अपना मजाक उड़वा लेते हैं, अपने परिवार का मजाक उड़वा देते होंगे अगर कोई दूसरा देखता होगा, लेकिन ये चीज़ इलीगल नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ कई सारी जो भद्दी कमेंट्स होती थी उन पर रोक लगाई। और इसी के साथ साथ कई ऐसी वीडियोज़ होती थी जो जिन्होंने बनाई है वो शायद अपने माँ बाप को ना दिखा पाए, और जो बंदा देख रहा है वो भी अपने माता पिता को ना दिखा पाता ऐसी वीडियो। देखो, टिकटॉक एक एंटरटेनिंग ऐप है, ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी, जिसका कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने मिसयूज करके दिखाया, जिसके बाद में रिजल्ट ये मिला था। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और एक चीज आपने नोटिस ना की हो, जैसे ही मैंने शेव करी थी ना, टिकटॉक को बैन कर दिया गया था कि ये साला अंदर ना घुस जाए टिकटॉक के, और जैसे ही दाढ़ी वापस आई उन्होंने अनबैन कर दिया। दोबारा से शेव करनी है क्या?